एट्रियल फिब्रिलेशन। व्हाट इज एट्रियल फिब्रिलेशन? एट्रियल फिब्रिलेशन इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल इंटरैक्टिंग री एंट्री सर्किट्स लूपिंग अराउंड द एट्रिया। व्हाट आर द टाइप्स? द टाइप्स आर पैरोक्सिस्मल, पर्सिस्टेंट एंड परमानेंट। पैरोक्सिस्मल इज इंटरमिटेंट विच इज सेल्फ टर्मिनेटिंग एंड इट रिवर्ट्स बैक टू साइनस रिदम विद इन 7 days। सेकेंड इज पर्सिस्टेंट विच आर ड्यू टू प्रोलॉन्ग पीरियड पर्सिस्टिंग फॉर मोर देन 7 days, टर्मिनेटेड बाई इलेक्ट्रिकल और केमिकल कार्डियोवर्शन। एंड नंबर 3 टाइप इज परमानेंट। दीज आर द टाइप्स ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। कॉजेस, द कॉजेस आर माइट्रल स्टेनोसिस, इश्केमिक हार्ट डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरटेंशन, हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस, कार्डियोमायोपैथी, न्यूमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दीज आर दी कॉमन कॉजेस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। सिम्टम्स, द सिम्टम्स आर पैल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस, फटीग, लाइट हेडेडनेस एंड समटाइम्स मे बी एसिम्टोमेटिक। साइंस, साइंस पल्स विच इज इरेगुलरली इरेगुलर, ब्लड प्रेशर मे बी रेस्ड, ऑन ऑस्कल्टेशन ऑफ द हार्ट वी मे फाइंड एन इरेगुलर हार्ट बीट एंड वी मे फाइंड अदर साइंस ऑफ द कॉजेस। इन्वेस्टिगेशन वी डू इज अ 12 लीड ECG। हियर वी फाइंड एन एबसेंट पी वेव विच इज रिप्लेस बाय फिब्रिलरी वेव्स। एन इको कार्डियोग्राफी इज डन, थायरॉयड फंक्शन टेस्ट इज डन एंड एक्सरसाइज टेस्ट इज डन। दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस, मेन इन्वेस्टिगेशंस। ट्रीटमेंट, इफ पैरोक्सिस्मल देन द अटैक्स विच आर वेल टॉलरेटेड डू नॉट नेसेसरी रिक्वायर ट्रीटमेंट। अदरवाइज वी कैन गिव बीटा ब्लॉकर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन इज डन एंड ओवरड्राइव एट्रियल पेसिंग इज डन। इफ पर्सिस्टेंट एंड परमानेंट देन फॉर रेट कंट्रोल बीटा ब्लॉकर्स एंड डिगॉक्सिन आर गिवन। फॉर रिदम कंट्रोल इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्शन कैन बी डन, इफ नॉट अवेलेबल देन एमियोडारोन और फ्लिकानाइट कैन बी गिवन। एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वारफेरिन कैन बी गिवन। कॉम्प्लिकेशंस विच में अराइज आर सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड हार्ट फेलियर। दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू।